धन्यवाद हो प्रेज द लॉर्ड, अस्तुति हो लॉर्ड जीसस। मसीह में प्रिय जनों, आइए हम प्रभु से दुआ करें। हम प्रभु के हजूरी में चलेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, प्रभु एक और नए दिन हमें दिया है, एक और सुबह का प्रकाश से हमें दिखाया है, तो आज का सुबह, आज का दिन, हाँ आज का दिन हमारे लिए आशीष का हो, इसके लिए दुआ करेंगे प्रभु से। आज का दिन हमारे लिए सुख शांति समृद्धि का हो, सफलता का हो, बरकत का हो, उन्नति का हो, इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हाँ विनती याचना करेंगे। मसीह में प्रिय सुनो, आइए हम आज के दिन के लिए प्रभु से अनुग्रह मांगे। अगर प्रभु आज के दिन के लिए हमें अनुग्रह देता है तो सच में आज का दिन बीती हुई दिनों से कई गुना बढ़कर, हाँ कई गुना बढ़कर हमारे लिए आशीष का हो जाएगा, बरकत का हो जाएगा, हर्ष उमंग आनंद गुड न्यूज का हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, खास हो जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय सुनो, हर दिन के पहला समय प्रभु को देना है, हाँ प्रभु को देना है। बिस्तर से उठते ही प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है। हर दिन आपके लिए खास होगा, विशेष होगा। मसीह में प्रिय जनों, आप पे हर दिन के पहला समय प्रभु को देते हैं, फिर भी अभी तक कोई भी दिन आपके लिए विशेष खास नहीं हुआ, आशीष का नहीं हुआ है, तो मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं कि हियाव मत छोड़िए, निराश मत होइए, हियाव को बांधे रहिए और हर दिन के पहला समय प्रभु को देते रहिए। प्रभु का जरूर आपके ऊपर अनुग्रह होगा, दया होगा, कृपा होगा, प्रभुता होगा, करुणा होगा, और प्रभु क्या करेगा, हर दिन को आपके लिए खास और विशेष बना देगा। अब तक जो नहीं हुआ आगे होगा, अब तक जो आपको नहीं मिला, आपको प्राप्त नहीं हुआ, आगे मिलेगा, प्राप्त होगा। मसीह में प्रिय सुनो, कभी हियाव को नहीं छोड़ना है, हाँ कभी हियाव को नहीं छोड़ना है। इब्रानियों 10 अध्याय के 35 पद के वचन को पढ़िएगा, इसमें लिखा है, सो अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अगर आप पे हर एक परिस्थिति, हालातों में, घड़ी में, मुश्किल घड़ी में हियाव को बांधे रहते हैं, छोड़ते नहीं, उसका प्रतिफल आने वाले दिनों में बहुत बड़ा है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय सुनो, आप प्रभु से कुछ चाहते हैं, दुआ भी करते हैं, उपवास रहते हैं, उपवास में प्रार्थना करते हैं, वचन पर चलते हैं, आपकी चाहत पूरी नहीं होती है, तो निराश मत होइए, हियाव को मत छोड़िए, अपने मन को काचा मत कीजिए, और भी क्या करना है, हियाव बांधना है, हाँ और भी हियाव को क्या करना है, बांधना है।
प्रभु यीशु मसीह भी एक दृष्टांत के द्वारा बताए हैं। लुका रचित सुसमाचार की पुस्तक 18 अध्याय के 1 वचन को पढ़ेंगे 23 तक। तो इसमें प्रभु यीशु मसीह बोला है, क्या क्या है, जो लोग प्रार्थना करते हैं उत्तर नहीं मिलता, उपवास में प्रार्थना करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, फिर भी प्रभु की ओर से कोई उत्तर उनको नहीं मिलता, बाद में निराश हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, मांगना छोड़ देते हैं, उन लोगों के लिए प्रभु बोला है कि सुनो, प्रार्थना करना और हियाव मत छोड़ो। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। नित्य प्रार्थना करते रहो, हियाव को बांधे रहो। प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बोला है, न्याय व्यक्ति और विधवा का दृष्टांत। प्रभु यीशु मसीह बोला कि किसी नगर में एक न्याय व्यक्ति रहता था, वो परमेश्वर से डरता नहीं था और न ही किसी मनुष्य का परवाह करता था, और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो हर दिन उसके पास आकर उससे कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका और मुझे मुंदई से बचा। वो रोज डेली प्रतिदिन उसके पास आकर के कहती रहती थी। एक दिन वो न्याय व्यक्ति सोचने लगा, अरे मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूँ और ना किसी का परवाह करता हूँ, फिर भी ये विधवा रोज मुझे आकर के सताती है, मुझे कहती है मेरा न्याय चुका। न्याय व्यक्ति कहता है, मैं इस विधवा का न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर के मेरे नाक में दम कर दे। मसीह में प्रिय सुनो, प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा ये बताते हैं कि सुनो, ये न्याय व्यक्ति क्या कहता है। अगर ये न्याय व्यक्ति विधवा के घड़ी घड़ी आकर के प्रार्थना करने से उसका न्याय चुकाने के लिए तैयार हो जाता है, तो जो स्वर्ग में परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है, वो तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें क्यों ना देगा। वो तो पवित्र है, धर्मी है, भाला है, हर एक का परवाह करता है, अपने वचन को क्या करता है, पूरा करता है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। जो रात दिन उसका दुहाई देते हैं, रात दिन उसके सामने घुटना टेकते हैं, उसके हजूरी में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उनकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा। मसीह में प्रिय सुनो, हो सकता है कि अभी तक के प्रभु आपके जरूरतों को पूरा ना किया हो, आपके जीवन की आवश्यकता को पूरा ना किया हो, आप जो कुछ के लिए प्रभु के सामने घुटना टेकते हैं आपको अभी तक ना मिला हो, टेकते रहिए, बहुत जल्द मिलेगा। आप उस समय घड़ी वक्त पल दूर नहीं है, आप अपने प्रार्थना का उत्तर आते हुए देखेंगे, बहुत जल्द आपके प्रार्थना का उत्तर आपको मिलने वाला है। हिया मत छोड़िए, प्रार्थना करना बंद मत कीजिए, जो आपको चाहिए रोज डेली के प्रार्थना में मांगिए। ऐसा नहीं सोचना है कि प्रभु नहीं दे रहा है तो मांगना छोड़ दे, दूसरी चीज़ें मांगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। जो आपको चाहिए मांगते रहिए, प्रभु जरूर देगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है, हियाव नहीं छोड़ना है, हियाव को नहीं छोड़ना है। इब्रानियों 10:35 में क्या लिखा है, हियाव को नहीं छोड़ना है, हियाव को बांधे रहेंगे, नित्य प्रार्थना करते रहेंगे, इसका बहुत ही बड़ा प्रतिफल है। हाँ, बहुत ही बड़ा। मसीह में प्रिय सुनो, प्रभु जानता है कि आपको क्या देना है और वो देगा भी। प्रार्थना करते रहिए, दुआ करते रहिए, ऐसा नहीं सोचना है कि आप जो कुछ भी प्रभु से मांग रहे हैं वो चीज़ें प्रभु के पास नहीं है, सब कुछ प्रभु के पास है।
आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बस अपना विश्वास प्रभु पर अटल बनाए रखना है, भरोसा बनाए रखना है। थोड़ा धीरज धरिए, प्रभु सब कुछ आपके जीवन में पूरा करेगा। सब कुछ भरपूरी से आपके जीवन में आपको क्या करेगा, हाँ क्या करेगा, आपको देगा। आइए मसीह में प्रिय सुनो, सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे कि आज का दिन प्रभु हमारे जीवन में जुड़ा है। आज का किरण हमारे जीवन में उदय किया है। फिर इसके बाद प्रभु से आज के लिए अनुग्रह मांगिए, प्रभु देगा और आप पे खुशियों से भर जाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। हे मेरे महान परमेश्वर, पूरे रात्रि अपने पनाह में आप हमें और हमारे परिवारों को सुलाए हैं। एक और नए दिन में हमें नींद से उठाए, जगाए, हमारे आँखों को खोले। इसके लिए प्रभु हम सब मिल करके लाखों लाख करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते हैं। सारे प्राण आत्मा देह के साथ आपका आदर सम्मान करते हैं। सच्चे मन से स्तुति महिमा प्रशंसा तारीफ बढ़ाई करते हैं। हे मेरे महान परमेश्वर, आज का दिन आपने बनाया है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हात्रियक। आज का दिन आपने बनाया है और हमारे जीवन में आपने जोड़ा है। सो होने दीजिए प्रभु जी, आज के दिन के लिए आप हमें अनुग्रह दीजिए कि आपके अनुग्रह में चलकर आज हम खुशियों से भर जाएं। आपकी ओर से हमें विशेष आशीषें मिले। आज का दिन प्रभु जी हमारे लिए खास हो जाए। आज का दिन प्रभु हमारे लिए सब दिनों से बढ़कर के आशीषमय दिन हो जाए, बरकत सफलतामय दिन हो जाए। आज जो टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, फालतू सोचते हैं, डिप्रेशन तनाव में रहते हैं, वो लोग स्वतंत्र हो जाए इन सब से। हाँ, चिंता टेंशन डिप्रेशन तनाव फालतू सोच से आज वो लोग स्वतंत्र हो जाए। जो बीमार है आज वो बीमारी से स्वतंत्र हो जाए। शैतान के हाथ में है आज शैतान के हाथ से छूट जाए। श्राप में है श्राप से स्वतंत्र हो जाए। अंधकार में अंधकार से स्वतंत्र हो जाए। सकेती में है दबाव में है प्रभु जी आज स्वतंत्र हो जाए। हॉस्पिटल में एडमिट है आज चंगे होकर के घर आ जाए। किसी का पैसा किसी के पास फांसा है प्रभु जी और वो व्यक्ति देने के लिए तैयार नहीं है, फंसा हुआ पैसा मिल जाए। किसी की सैलरी रुका है, रुका हुआ सैलरी मिल जाए। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा, मदद कीजिए खुदा, मदद कीजिए खुदा, मदद कीजिए खुदा। हे मेरे महान परमेश्वर, सहायता कर, अपने अनुग्रह में चला, अपनी कृपा में चला, अपनी ज्योति में चला, महिमा में चला, कि हम आनंद से भर कर तेरी महिमा करें, खुशी हर्ष उमंग से भर कर तेरी प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें, तेरे नाम को आदर दे, तेरे नाम को ऊंचा उठाए, तेरा सम्मान करें, अपने हाथों को तेरे पवित्र ऊंचे सिंहासन की ओर उठा करके तुझे धन्यवाद दे सके। हे मेरे महान परमेश्वर, हमारे जीवन के ऊपर तू प्रभुता कर, हमारे ऊपर दया कर, जैसे भी हैं आपके हैं, अपने सीने से लगा करके अपनी शांति हमें दे। धन्यवाद हो यीशु, अद्भुत अनोखा खुदा, सहायता कीजिए। आज की सुबह में स्वर्गीय पिता, जितने जन जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, वो सब प्रभु जी अपने जीवन की कमी घटी जरूरत आवश्यकता को अद्भुत रीति से बहुत जल्द पूरी होते हुए देखने पा। जो कोई जो कुछ की आशा आपसे करते हैं
और हियाव बांधते हैं, अपने मन को कांचा होने नहीं देते, ढीला नहीं होते, जिनका भरोसा आपके ऊपर से हटता नहीं। हे पिता यीशु, जल्द से जल्द उनकी सारी आशाओं को पूरा कर। हे मेरे महान परमेश्वर, इस भाई को, इस बहन को जो कुछ चाहिए देने की कृपा कर। धन्यवाद हो यीशु, आप मेरे महान परमेश्वर हैं, सामर्थी खुदा हैं। आज का दिन प्रभु जी बीते हुए दिनों से कई गुना बढ़कर के प्रभु जी हमारे लिए आशीष का होने पर, बरकत का होने पर, सुख शांति समृद्धि आनंद हर्ष उमंग का होने पर। दया कीजिए प्रभु जी, जो एग्जाम दिए हैं अच्छे नंबरों से पास कीजिए, जो इंटरव्यू दिए हैं गुड न्यूज़ दीजिए, जो एग्जाम में फेल हो जाते हैं फेल को पास में बदल, समाज में जिनका अपमान हुआ है, जिनका जहाँ जहाँ पर भी अपमान हुआ है, अपमान को सम्मान में बदल, जिनका नाम धराए हुआ है नाम धराए को दूर कर। हे मेरे महान परमेश्वर, सहायता कर, मदद 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 कर, गाइड करने वाले मेरे जिंदा खुदा, धन्यवाद देते प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, हमें अपनी सेवा में आगे बढ़ाइए। धन्यवाद यीशु, इस प्रार्थना को जितने जन जितने लोग प्रभु रिसीव किए हैं वो सब प्रभु आपके महिमा में आगे बढ़े, आपके अनुग्रह में आगे बढ़े, सहायता कीजिए, दया कीजिए, कृपा प्रभु तय कीजिए। कमेंट के माध्यम से जो लोग हैं, हाँ कमेंट के जरिए जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय में दिए हैं, उन सबों की प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय आपके सम्मुख आपके हजूरी में हम रखते हैं। दृष्टि कीजिए सबों के प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय के ऊपर, ध्यान दीजिए और उत्तर प्रभु सबों को हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सब आनंद से भर जाए, हर्ष उमंग से भर जाए और आपकी महिमा करे। हे मेरे महान परमेश्वर, ऊंचा उठाने वाला तू है, परिस्थिति हालातों को बदलने वाला तू है प्रभु। हे मेरे महान परमेश्वर, सहायता कर। धन्यवाद हो यीशु, आपकी स्तुति हो। एक एक बच्चों को, नौजवानों को आपके हाथों में देते हैं, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, पढ़ाई लिखाई में आशीष दीजिए, फ्यूचर को उज्ज्वल बनाई, भविष्य को अच्छा कीजिए। धन्यवाद यीशु, सब प्रकार के बुराई से बचाना। नौजवानों के लिए दुआ करते हैं, सही मार्ग देना। बड़े बुजुर्गों के लिए दुआ करते हैं, हर एक बीमारी से बचाना। एक एक मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते, विनती याचना करते हैं, किसी भी फंदे में फंसने मत देना। सब प्रभु आपके हैं, आपके हाथों की काम है, सबों को संभालना, अपने आँखों के पुतली की नहीं देखभाल करना, देख रेख करना। हे मेरे महान परमेश्वर, सहायता कर, मदद कर खुदा। धन्यवाद देते हैं स्तुतियों स्तुतियों में वास करने वाले, महिमा हो मेरे महान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सामर्थी खुदा, सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु से, प्रशंसा करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा, अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए, प्रभुता कर दीजिए। धन्यवाद कि आप पे हम सबों की सुने, ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी हाँ आमीन में दिए, लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों खुदा धन्यवाद करते। बिगड़ी को बनाने वाले, उलझन को सुलझाने वाले, सहायता कीजिए, मदद कीजिए सुरासा, धन्यवाद करते पिता यीशु। बिनती प्रार्थना आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय सनो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, आपका देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे।
आपका देखभाल देखरेख करें। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना भी सहें, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। मसीह में प्रिय जनों, अपना विश्वास प्रभु पर अटल बना करके रखिए। प्रभु के काम को आप पे जरूर देखेंगे। प्रभु आपको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।